बस यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर गच्चा खा गए मिर्जापुर वाली वेब सीरीज बनाने वाले। जल्दी कर दी, कालीन भैया वाला किरदार तो इन इंचार्ज साहब से अच्छा पूरे ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं पाता। जरा देखिए, दम पे दम मारे जा, दम पे दम मारे जा। आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि कभी कभी लगता है साला अपनिच भगवान है। इन इंचार्ज साहब को देखिए, वर्दी पहने हैं, ऊपर का बटन खुला है, हाथ में सुट्टा और मुंह से गजब का धुआं छोड़ रहे हैं। कसम भगवान, इस तरह का भौकाल तो इनके ज़िले के जिला अधिकारी भी नहीं दिखाते होंगे। इंचार्ज साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जैसे ही इनके पास एक पीड़ित महिला आती है उसको डांट कर ऐसे भगा देते हैं जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन वो बेचारी तो सिर्फ सर और आप कर कर ही बात कर रही थी। जरा सुनिए भौकाली इंचार्ज साहब की जुबानी। सर, हम पर्सों की एफआईआर की फोटो कॉपी चाहिए। नहीं सर, इमरजेंसी है, हमें जरूरत है। मेरे पास है। आपके लिए बोला था ना करने के लिए, अगर मतलब जितने समझौता कराया था। मैंने भी हराम को यहीं से भेजा था। सर, तो सुनी आपने संस्कारी शिष्टाचार मान मर्यादा वाले इंचार्ज साहब की जुबानी। गजब का भौकाल टाइट है इंचार्ज साहब का। इनके खून में बदतमीजी उबाल क्यों ना मारे, जब शरीर पर वर्दी स्टार, कंधे पर हाथ में सुट्टा, मुंह से धुआं बाहर निकल रहा है, फुल रुआब में बैठे हैं साहब। जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं खुद इनके चौकी इंचार्ज गुंडई की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गजब का दृश्य है, कसम भगवान गजब का दृश्य है। भौकाल टाइट है। वैसे तो पुलिस को सबसे अनुशासन वाला विभाग माना जाता है, लेकिन अनुशासनहीनता में तो इन्होंने आसमान की बुलंदियां छू ली। गजब का नियम कानून मान मर्यादा प्रतिष्ठा और योगी आदित्यनाथ वाली सरकार की छवि को मिट्टी में मिला दिया। इनके जैसे पुलिसकर्मियों को देखने के बाद जनता का भरोसा पुलिस से उठ जाता है। इनके बड़े और भौकाली कारनामों के बाद इनको लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन क्या इनके इतने बड़े कारनामे के बाद इनको लाइन हाजिर करना मुनासिब था? वहीं कुछ लोगों का कहना है ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी को दे दी गई है और विवेचना चल रही है। एक बड़ा गंभीर मामला बन जाता है जब पुलिसकर्मी इस तरह का व्यवहार जनता से करते हैं। जनता मुसीबत में इनके पास पहुँचती है और इनका व्यवहार अमर्यादित होता है। यूपी अपडेट की खास रिपोर्ट।